इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से हम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1,000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984789810843757 9810436940। ओम अरहम नमः। अरहम 40 के छठे दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। प्रेम में न राग होता है न द्वेष। प्रेम जो जैसा है उसे वैसा स्वीकारता है। लविंग मेडिटेशन में हम शरीर को मंत्र ऊर्जा से भरने के पश्चात सभी अंगों-पांगों को प्रेम पूर्वक देखते हैं। सीधे बैठ जाए, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद रखते हुए अपना पूरा ध्यान सिर के ऊपरी भाग पर रखेंगे। सिर के ऊपरी भाग में जहां मस्तिष्क की प्रक्रियाएं चलती हैं, पूरा नसों का जाल फैला हुआ है। सारे विचार यहीं से बनते हैं और यहीं से जीवन बनना शुरू होता है। पूरे मस्तिष्क के अंदर एक एक जाल को, एक एक नस को हम पूरा स्वस्थ रूप में देखते हुए अपनी आंखें बंद रखेंगे और भीतर से अपनी ही आंखों में देखेंगे। अपने मन को अपनी आंखों के पास ला करके रखेंगे। यह स्टेप चल रहा है जिसे कहते हैं लविंग मेडिटेशन। अपने पूरे शरीर को बड़े प्रेम भाव से देखने की कोशिश करेंगे। अपने एक एक अंग को, शरीर के अंदर के एक एक ऑर्गन को बिल्कुल प्रेम भाव के साथ, प्रसन्न भाव के साथ देखेंगे। पूरे शरीर को धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे भीतर जागृति के साथ। यह महसूस करते हुए कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अपना ध्यान धीरे धीरे अपने नाक की छिद्रों पर लाएं। उन नाक के छिद्रों पर जहाँ से हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, पूरा ध्यान रखें कि हम श्वास नाक के छिद्रों से ले रहे हैं और नाक के छिद्रों से ही छोड़ रहे हैं। प्रसन्नता के साथ पूरी श्वास पूरे शरीर के अंदर जाती हुई शक्ति देती है, ऊर्जा देती है। अपना ध्यान धीरे धीरे अपने कानों की ओर ले जाएं। कानों में किसी भी प्रकार की आवाज आती है, पर्दा डिस्टर्ब है, भीतर से महसूस करें हम बिल्कुल स्वस्थ हैं।
हर स्थान पर अरहम का स्मरण करते जाएं, धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कंठ की ओर लाएं, अपने विशुद्धि केंद्र को बड़े आनंद के साथ देखें, प्रेम से देखें। यहां पर भी अरहम का स्मरण करें, धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हृदय की ओर लाएं, यहां पर भी अरहम का स्मरण करें। हृदय आनंद से भरा हुआ है, महसूस करें, मन में कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पेट के अंदर लाएं, पेट के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म ऑर्गन्स रहते हैं, लीवर है, किडनी है, स्प्लिन है, उन सब पर बड़ी प्रसन्नता से अपना मन टिकाते जाएं, एक एक अंग को बड़ी प्रसन्नता के साथ देखते जाएं और हर स्थान पर अरहम का स्मरण करते जाएं। अपने ही शरीर को, एक एक उपांग को, अंग को बड़े प्रेम भाव से देखें। जहां हम अपने शरीर का कोई भी अंग उपेक्षित कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, वहीं से हमारे अंदर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पूरी प्रसन्नता बनाए रखें, अपने मन को कंधों के पास लाएं, अपनी बाहों से होते हुए अपनी हथेलियों तक की यात्रा करें। धीरे धीरे अपने मन को पूरे हथेलियों के पास तक ले जाएं। अपने मन को अपनी जंघा के पास लाएं, घुटनों के पास लाएं, प्रसन्नता से अपने शरीर को भीतर से देखें। धीरे धीरे मन को पैरों की एड़ी तक लाएं, पंजों तक लाएं, उंगलियों तक ले जाएं। पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स देते हुए एक साथ पूरे शरीर को देखें, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। गहरी लंबी सांस लेते हुए पूरे शरीर में अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हुए प्रसन्न चित्त हों। इस शरीर को प्रसन्न करने के बाद यह महसूस करें कि मैं यह शरीर मात्र नहीं हूं, मैं अब फिफ्थ स्टेप की ओर आगे बढ़ रहा हूं, स्पिरिचुअल फीलिंग्स। मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं,
मैं पूरे शरीर में फैला हुआ चैतन्य आत्मा हूँ। जिस चैतन्य आत्मा की शक्ति से पूरा शरीर चल रहा है, जीवन चल रहा है, श्वास चल रही है, मैं वह चैतन्य आत्मा हूँ। संसार में किसी भी प्राणी के प्रति मुझे कोई दुर्भाव नहीं। संसार में जितनी भी चैतन्य आत्माएं हैं वह सभी मेरी ही तरह सुख चाहती हैं, निश्चिंतता चाहती हैं। हे प्रभु, सबको वह सुख मिले, सबको वह आनंद मिले, सब निश्चिंत हों। जो मुझसे गुस्सा करता है, जो मुझसे हेट करता है, जो मुझे परेशान करता है, मेरा उसके प्रति भी प्रेम भाव है। मैं उसे भी मित्रता के भाव से स्वीकार करता हूँ। दुनिया में कोई भी प्राणी मेरा शत्रु नहीं, मुझे किसी से घृणा नहीं। अगर आपके मन में किसी की स्मृति आ रही हो जिससे आपको गुस्सा आता है, तो आज इसी क्षण उसको अपने अंतर मन से कोई नहीं देख रहा, सिर्फ आपकी आत्मा इस बात को जान रही है। आप अंतर मन से उसके पैरों को पकड़ लो और अंतर मन से उसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त करना, वह व्यक्ति आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। आप अपने अंतर मन से, अपनी बुद्धि से उसको क्षमा कर दो। मेरा दुनिया में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी क्रोध भाव नहीं, घृणा भाव नहीं। मैं प्रत्येक प्राणी के प्रति समभाव रखता हूँ, प्रेम भाव रखता हूँ। जिसने मुझे बिजनेस में नुकसान पहुँचाया, मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, मेरे ऊपर जबरदस्ती केस किया, मैं उसको भी आज अपने अंतर मन से क्षमा करता हूँ। उसके प्रति भी मैं बिल्कुल प्रसन्नता का भाव रखता हूँ। अपने हृदय की कुंठाओं को बिल्कुल बाहर छोड़ें। अध्यात्म की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। आपके प्रति कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप उसके प्रति पूर्ण प्रेम व्यवहार के साथ में आएं। अपने दोनों हाथों को आंख बंद करके आकाश की ओर ले जाएं, आकाश की ओर, खुले आकाश की ओर, बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ। मेरे साथ बोलेंगे, हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी बुद्धि दो, मैं सबको क्षमा करूं, मेरा किसी से कोई भी दुर्भाव नहीं, मेरा किसी से ईर्ष्या भाव नहीं, मैं किसी का विरोधी नहीं, मैं किसी से घृणा भाव नहीं रखता हूँ, मेरा सबसे प्रेम भाव है जगत के सभी जीवों के प्रति। मैं मैत्री भाव धारण करता हूँ, प्रेम भाव धारण करता हूँ। संसार में हर व्यक्ति खुश रहे, आनंदित रहे, सुख से रहे, मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं, कोई भी गिला नहीं, मैं सबके प्रति प्रेम भाव धारण करता हूँ, आनंदित हूँ, अपने में आनंदित हूँ। आंख बंद करके अपने हाथ दोनों नीचे करें और खूब जोर से हंसें, खूब जोर से हंसें। कोई भी नहीं देख रहा आपको, आंख बंद करके हंसो। मेरा सबके प्रति प्रेम भाव,
मैंने अगर किसी से गुस्सा किया वह मेरी अज्ञानता थी, आज मैं अपनी अज्ञानता पे हंस रहा हूँ, मैं अपना अज्ञान छोड़ रहा हूँ, मैं पूर्ण ज्ञान भाव के साथ आज प्रकृति के साथ एकमेक हो रहा हूँ। अभी पीछे के लोग नहीं हंस रहे हैं, हम देख रहे हैं, हंस लो, घर में हंसना नहीं मिलता, घर में हंसोगे लोग पागल कहेंगे, आवाज आएगी तो, इसलिए हंसो और तेजी से हंसो, पूरा वातावरण प्रसन्न हो जाए। आंख बंद करके रसना, अभी आंखें नहीं खोलना, शांति, आंख बंद करके बैठें, सिर्फ बैठें और देखें आपके अंदर क्या महसूस हो रहा है। इस शांति से अपने मन को भरें, इस आनंद से अपने मन को भरते जाएं, भरते जाएं। बिल्कुल पूर्ण मौन इसी भाव के साथ बैठेंगे। सिर्फ वर्तमान में इसी क्षण जिएं, कोई चिंता नहीं, ये क्षण आपको दिन भर उपलब्ध नहीं होंगे, जीवन में कभी उपलब्ध नहीं होंगे। पूर्ण शांति महसूस करें, ये बहुत दुर्लभ क्षण है, ऐसा महसूस करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, तालियां भी बजाएंगे, लेकिन आंख बंद करके पूरे आनंद भाव के साथ अपने स्थान पर हिलते हुए, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके, वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का, तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि, मेरे मन में तेरे मन में सबके, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल। अपनी दोनों हथेलियों को घिसकर अपनी आंखों पर रखें, पूरे शरीर में रखें, जहां आपको दर्द होता है, पीड़ा होती है, कोई रोग हो, उस स्थान पर रखें, यह महसूस करते हुए कि हमारा वह अंग प्रत्यंग बिल्कुल स्वस्थ हो। ओम अरहम परम शांति। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। लविंग मेडिटेशन से न सिर्फ हम अपने शरीर को स्वस्थ कहते हैं, अपितु प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का विस्तार कहते हैं, हम दया और क्षमा का अनुभव कहते हैं। अरहम ध्यान के अलग अलग ध्यान और सत्रों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अरहम ध्यान योग के नाम से। कल के सत्र में शब्द ज्योति से ज्ञान ज्योति प्रकट करने के लिए पदस्थ धर्म ध्यान करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है, हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए, क्या घूमता है, कौन घुमाता है। अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर, सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क